Assalamu alaikum students, welcome back to Nadia Khan Online Academy. EDUA630 Research Project. इसकी assignment number 1 announce हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने supervisor जो है वो आप कैसे check कर सकते हैं. सबसे पहले जो है वो आप अपने subject icon पे click करना है और कोर्स इंफॉर्मेशन में चले जाना है. तो यहाँ पे जो है वो आपके सुपरवाइजर की इन्फो मौजूद होगी. सो अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आती है तो आपने अपना जो ऑफिशियल मेल आईडी है, वीयू मेल आईडी, उसके थ्रू जो है वो अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है. लेकिन अगर आपका वीयू मेल आईडी एक्टिव नहीं है, आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको नहीं पता कि पासवर्ड जो है वो कैसे रीसेट करना है, तो फिर मैं जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना वीयू मेल आईडी को किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं और उसका पासवर्ड किस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और अगर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाह रहे हैं, टीचिंग प्रैक्टिस या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं. और इसके अलावा मेरा ऐप पेज है, ऐप के पेज पे जाके आप जो है यहाँ पे फोटोज़ में रिजल्ट भी देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स का. ठीक है, आपका ग्रंटेड वर्क, क्वालिटी वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. सो आप यहाँ पे आके जो है मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं. सो अब हम जो है वो असाइनमेंट की तरफ जाएंगे. यहाँ से जो है आपने अपनी असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 29 अप्रैल है. ठीक है, सो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे. अपने वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ और इसके अलावा जो है आपके साथ कुछ टॉपिक्स भी शेयर किए जाएंगे और मैं आपको बताऊँगी भी कि आपका टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है. अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. इसका जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इन दिस असाइनमेंट यू हैव टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक फॉर योर ऑन गोइंग थीसिस. सो इसमें जो आपका मेन काम है, मेन वर्क है, वो आपने एक वैलिड रिसर्च टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है. ठीक है, और ये रिसर्च टॉपिक जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस से भी हो सकता है, टीचिंग प्रैक्टिस एक्सपीरियंस. ठीक है, मतलब आपने जो टॉपिक सिलेक्शन करनी है वो एजुकेशन फील्ड में करनी है. स्टूडेंट लाइफ से आप कर सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड जो एजुकेशन में आता हो, आप जो है उससे रेलिवेंट जो है वो अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आपका जो टॉपिक सिलेक्शन है वो एजुकेशन फील्ड में होने चाहिए. ठीक है, अब इसमें जो है वो आपने 3 रिसर्च टॉपिक्स जो हैं वो सबमिट करवाने हैं. अब इसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ इसमें 3 रिसर्च टॉपिक ही सबमिट करवाने हैं, बल्कि आपने उसमें डिटेल ऐड करनी है. डिटेल जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. और पहली शर्त ये है कि आपका जो टॉपिक है वो वैलिड होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं है कि आपने कहीं से भी उठाया टॉपिक और उसको जो है वो अपनी असाइनमेंट में ऐड कर दिया और उसको सबमिट करवा दिया. अगर आप ऐसा करेंगे, नॉन सीरियस होके वर्क करेंगे, तो आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे और आपका वर्क जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है, सो आपने अपना जो टॉपिक है वो यूनिक टॉपिक लेना है, नया टॉपिक लेना है. यूनिक टॉपिक से मुराद ये नहीं है कि आपने नया टॉपिक लेना है, इससे मुराद ये है कि आपका टॉपिक वैलिड होना चाहिए, टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए और एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिस पर रिसर्च जो है वो की जा सके. ठीक है, ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसके हाथ पांव ही ना हो, जिसका पता ही ना हो कि इसको करना क्या है. ठीक है, और इसमें ये होता है कि आप 3 टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे. अगर आपके टॉपिक वैलिड होंगे, ठीक होंगे, तो आपके सुपरवाइज़र उसमें से 1 टॉपिक जो है वो अप्रूव कर देंगे और उस पर जो है वो आप अपने
बेसिस पे प्रोजेक्ट पे या रिसर्च वर्क पे काम करेंगे, ये तीनों एक ही मीनिंग में आते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं जी, प्रोजेक्ट अलग है, थीसिस अलग है और रिसर्च वर्क अलग है, ये अलग नहीं है। ये मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर दूँ, ये तीनों चीज़ें अलग हैं, प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क और इसके अलावा थीसिस, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो एक ही मीनिंग में आते हैं। अब रिसर्च टॉपिक में जो है ये चार चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो है इसमें फेनोमिना होना चाहिए। फेनोमिना से मुराद ये है कि आप अपनी रिसर्च में क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, फैक्ट देखना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप रॉल, ठीक है। उसके बाद जो है आपने वेरिएबल्स बताने हैं, आपके वेरिएबल्स जो हैं वो कौन से होंगे, उन वेरिएबल्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। एंड हु यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर रिसर्च, आप रिसर्च किस पे करने जा रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, कम्युनिटी होगी, ये आपको डिसाइड करना है। और उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन है कि आपके जो पॉपुलेशन है वो क्या कौन होगा, ठीक है, स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ये आपको डिसाइड करना है। सो ये आपको टॉपिक सिलेक्शन के रूल्स बताए गए हैं कि आपके टॉपिक में फेनोमेना होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए और पॉपुलेशन होने चाहिए। अब ये जो है कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए टॉपिक हैं। अगर आपने इसमें से सिलेक्शन करनी है तो आपने सबसे पहले इस पर सर्च करनी है कि आया कि इस पर कितने आर्टिकल्स मौजूद है, कितना लिटरेचर मौजूद है। ये मैं आपको बहुत फ़ायदे की बात बता रही हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसमें जब हम टॉपिक सिलेक्शन करते हैं ना, ये ध्यान से सुनिएगा पॉइंट, जब हम टॉपिक सिलेक्शन करते हैं तो फिर उसमें एक तो हमें वो चार कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने ऊपर जिक्र किया। दूसरी जो मेन चीज़ है वो हमने देखनी है, इसको गूगल पे सर्च करके, गूगल स्कॉलर पे सर्च करके, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है साइंस ट्रैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा जो है वेबसाइट्स हैं उन पे हमने सर्च करके देखना है क्या हम जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, क्या इन पे कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं भी या नहीं है। ये नहीं है कि हमने कहीं से भी टॉपिक देखा, चलो जी व्हाट्सएप में कहीं पे हुआ है शेयर या यूट्यूब चैनल पे कहीं पे टॉपिक शेयर हुआ है, हमने वही टॉपिक अपनी असाइनमेंट में डाले और जब लिटरेचर की बारी आई, जब हमें उस पर 35 to 40 पेजेस का लिटरेचर रिक्वायर्ड होता है असाइनमेंट में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो लिटरेचर मिल नहीं रहा, अब हम क्या करें। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप यहाँ पे गूगल पे जाएं, ठीक है, वहाँ पे आपके जो भी वेरिएबल्स हैं वहाँ से सर्च करें, गूगल स्कॉलर पे जाएं, गूगल स्कॉलर पे जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको पुट करें, या कीवर्ड्स पुट करें, या वेरिएबल्स पुट करें, और उस पर देखें कि कितने जो है वो आर्टिकल्स मौजूद हैं, को डाउनलोड करें और देखें कि उससे रेलिवेंट भी हैं या नहीं है, फिर आप अपने टॉपिक सिलेक्शन की तरफ जाएं, फिर आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब लिटरेचर की असाइनमेंट आएगी आपको ये मसला नहीं होगा कि इस पे आर्टिकल्स मौजूद नहीं है, इस पे लिटरेचर मौजूद नहीं है। और जब ये चीज़ें मौजूद नहीं होती, आर्टिकल्स मौजूद नहीं होते, तो स्टूडेंट्स चाह रहे होते हैं हमारा टॉपिक चेंज हो जाए, तो फिर सुपरवाइज़र टॉपिक चेंज नहीं करते। सो बी केयरफुल, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है और इस पर मैंने आपको बताया है कि टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त वो चार बातें जो आपने माइंड में रखनी है, लेकिन आपने इस पर सर्च मस्ट करनी है, जो भी तीन टॉपिक सिलेक्ट आप कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब इसमें मैंने आपके साथ जो है वो कुछ टॉपिक्स में शेयर कर रही हूँ, या आपने अपनी मर्ज़ी से लेने, अगर आप इसमें से कोई टॉपिक ले रहे हैं तो आपने इस पर सर्च मस्ट करनी है, ताकि मुझे जो है वो नेक्स्ट असाइनमेंट्स में मुश्किल ना हो। मैं इसमें जो लिटरेचर की असाइनमेंट आती है ना, उसमें आपको 35 to 40 पेजेस का लिटरेचर ऐड करना होता है। जब आर्टिकल्स मौजूद नहीं होंगे, प्रीवियस स्टडीज मौजूद नहीं होंगी, तो आप अपनी असाइनमेंट में कैसे वर्क करेंगे। और जब एक प्रॉपर असाइनमेंट नहीं बनेगी तो आपके 25 मार्क्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल।
अच्छा नेक्स्ट जो है ये मैंने आपके साथ कुछ टॉपिक्स शेयर किए हैं, इस यहाँ से आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने हैं, रिसर्च करके करना है कि इस पर कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। ये आपके साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है शेयर कर रही हूँ, इनको आपने देख लेना है। और टेस्ट सॉल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स जो जॉब की वजह से अपना वर्क हैंडल नहीं कर पा रहे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है इसको किस तरह से करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम वेस्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो दूर रहें, सिर्फ जो सीरियस हों काम करवाना चाह रहे हों सिर्फ वही मुझसे कांटेक्ट करें। ये आपके साथ जो है टॉपिक शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन रेट। टॉपिक नंबर 15 है रोल ऑफ आर्ट्स एजुकेशन इन एनहेंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एकेडमिक अचीवमेंट। 16 है एनालाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग प्रोग्राम्स इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। 17 है इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑन लॉन्ग टर्म एकेडमिक सक्सेस एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अच्छा इसमें मुझे याद आया एक और भी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि जी हमने जो अपने स्पेशलाइजेशन एरिया सेलेक्ट किया तो क्या हमें उसी से रेलिवेंट सिर्फ अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं रिसर्च टॉपिक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एजुकेशन फील्ड में किसी भी कीवर्ड से रेलिवेंट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्कूल चॉइस पॉलिसीज ऑन एजुकेशन इक्वालिटी एंड स्टूडेंट्स आउटकम। और ये सॉल्यूशन जो है वो मैंने शेयर किया है, ये एक टॉपिक लिया गया है, ठीक है। अब इसमें फेनोमिना जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग है, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं तीन वेरिएबल्स के दरमियान, जिसमें तीन वेरिएबल जो हैं वो ये हैं स्कूल क्लाइमेट, स्टूडेंट बिहेवियर और स्टूडेंट अचीवमेंट, ठीक है। अब जिसमें जो हमारी पॉपुलेशन है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे और किसके लेने हैं, प्राइवेट कॉलेज लेने हैं हमने लाहौर के, ठीक है। तो ये हमारी पॉपुलेशन है। आई होप कि आपको क्लियर होगी होगी एवरीथिंग। सो अगर आपको आप भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, और क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका आप ग्रुप मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर गाइडलाइंस, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड गुड लक।